लुका 11 अध्याय का पहला वचन। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसा ही हमें भी तू सिखा दे। चेलों ने पुराना नियम की प्रार्थना को भी देखे हैं, बहुत भविष्यवक्ता की प्रार्थना को भी देखे हैं, अभी तक यीशु मसीह की जैसे प्रार्थना को उन्होंने नहीं सुना। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता करके उनको बुलाया। हे पिता, इब्रू में इसको कहते हैं हे हब्बा, इसका मतलब मेरे पिता करके उन्होंने बुलाया। अभी तक फरीसी सदीसी ने भी और यहूदियों भी ये प्रार्थना करते थे, यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, इस प्रकार वो दुआएं करते थे, परमेश्वर करके वो बुलाते थे। लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह को प्रार्थना को उन्होंने सुना था, और कहते हैं पिता करके बुला रहे, यानी परमेश्वर को अपने पिता के रूप में वो इतना संगति में आगे गहराई के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए इस प्रार्थना को देखने के बाद चेले इतना आश्चर्य हो गए, इतना अचंभा हो गए, इसलिए कहते हैं हे यीशु, इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए हमें भी तू सिखला दे। तो चेलों को उतना मन में इच्छा हो गया प्रभु से प्रार्थना सीखना है। उसी के परिणाम से हे हमारी स्वर्गीय पिता, ये प्रार्थना आज दुनिया भर लोग कहकर दुआएं करते हैं। इस प्रार्थना का मकसद क्या है? परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, बुद्धि चाहिए, आशीष की कमी है, जीवन में घटी है, कुछ भी है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। हे प्रभु, मेरे पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, आशीष नहीं है, इस प्रकार हमें प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज आप कहते होंगे, मेरे परिवार को चलाने के लिए मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं क्या करूंगा परमेश्वर, मैं पछता रहा हूं, यहां ऊंचे स्थान में आ गया, ऊंचे पद पर आ गया, इसको बरकरार रखने के लिए मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं आगे कैसे मैं अपने काम को बढ़ा सकता हूँ, इस कार्य को आगे मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं पढ़ने में मेरा पास ताकत नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, शायद मैं ये सोच रहा हूँ इस पढ़ाई को छोड़ दूंगा, इस पढ़ाई को आधा में रोक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कहता है आज, परमेश्वर उसी में जहाँ आप बुद्धि नहीं कहते, जहाँ ज्ञान नहीं कहते, वही परमेश्वर आपके लिए बुद्धि को देने वाले हैं, वही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देने वाले हैं, वही परमेश्वर आपके जीवन में ज्ञान को बढ़ोतरी को दे के आशीष देंगे। हालेलुया हालेलुया।